मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराने टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। कभी गर्भावस्था के दौरान हम सुनते हैं कि किसी का बेबी पेट में ही गुजर चुका है, उसके दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं, वो बहुत ही दुखद घटना रहती है। लेकिन ये किसी किसी में सच्चाई रहती है। हम होने वाले बेबी के सपने देखते रहते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि बेबी की दिल की धड़कनें पूरी बंद हो जाती है। इसीलिए जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो हमारे घर के सारे बुजुर्ग हमें बार बार बेबी के मूवमेंट्स के बारे में पूछते रहते हैं। हमें ये भी मालूम होता है बेबी का भी सोने का पैटर्न रहता है, उठने का पैटर्न रहता है, लेकिन हर एक बेबी का हर एक समय का एक डिफरेंट पैटर्न रहता है। जो कुछ घर के बुजुर्ग बोलते रहते हैं कि आपको बेबी के मूवमेंट्स पे ध्यान देना है, ये बहुत ही सही बात है। और वो भी कब मायने रखता है, जब बेबी बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि 30-32 वीक्स के बाद, जब बेबी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, यानी कि बेबी को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा पोषण की ज़रूरत रहती है। और कभी कभी किन लोगों में बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो जो रहता है, खून का प्रवाह, वो कम होता जाता है। जो आंवल प्लेसेंटा जिससे बेबी को न्यूट्रिशन पहुंचता है, उसका कार्य सही नहीं रहता, इसीलिए बेबी का पोषण कम होना शुरू हो जाता है और बेबी की दिल की धड़कनें अचानक से बंद हो जाती है। लेकिन बेबी की ये दिल की धड़कनें अचानक से बंद होने से पहले बेबी की पूरी बॉडी मूवमेंट थोड़ी सी स्लो डाउन होती है। इसीलिए हम कहते रहते हैं लंच के बाद, डिनर के बाद जो एक घंटा रहता है, उस एक घंटे में बेबी ने चार बार हिलना ही चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि लगातार 6 घंटे में बेबी की मूवमेंट नहीं हुई तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो आइए हम जानेंगे, अचानक से बेबी की दिल की धड़कनें बंद हो जाती है और बेबी जब स्टॉप हो जाता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो लगभग देखा जाए तो 50-60% लोगों में ये स्टिल बर्थ, यानी कि बेबी की धड़कनें पेट के अंदर लेबर पेन शुरू होने से पहले क्यों बंद हो गई, उसका कारण ही नहीं रहता। इसको हम अनएक्सप्लेन्ड फीटल डेथ कहते हैं। लेकिन जो 50% लोग हैं जिनमें ये हम कारण जान सकते हैं, तो उन लोगों में हमें सतर्क रहना है। तो आइए हम जानेंगे ये इंट्रा यूट्राइन, यानी कि गर्भाशय के आज जो बेबी की मौत होती है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। उसमें से सबसे पहला कारण रहता है कि बेबी का अविकसित रहना। बेबी कभी कभी अविकसित रहता है और हमसे ये छूट जाता है, हमें ये पता नहीं चलता। डॉक्टर आपको बार बार, यानी कि हर 2 महीने से, 1 महीने से, 1.5 महीने से सोनोग्राफी करने की सलाह देते हैं। ये सोनोग्राफी के दौरान डॉक्टर को पता चलता है कि बेबी थोड़ा अविकसित है और बेबी की तरफ जाने वाला खून का प्रवाह थोड़ा सा कम होता जा रहा है। जब बेबी की ग्रोथ जितनी चाहिए उतनी नहीं रहती, कभी कभी वो 4 हफ्तों से कम होती है, तो ये मिसहैप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, लगभग 5-7 गुना ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहता है बेबी का अविकसित होना, यानी कि IUGR, इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। दूसरा महत्वपूर्ण कारण रहता है आवल का डिसफंक्शन, यानी कि प्लेसेंटा का डिसफंक्शन। प्लेसेंटा का कार्य अच्छा नहीं रहता, प्लेसेंटा का कार्य अच्छा नहीं होता। हमें मालूम है प्लेसेंटा का कार्य क्या रहता है कि बेबी का पोषण करना, बेबी का न्यूट्रिशन देना, बेबी को न्यूट्रिशन देना, बेबी की तरफ खून का प्रवाह छोड़ना। लेकिन ये जब प्लेसेंटा कभी सिकुड़ जाती है, उसका कार्य अच्छा नहीं रहता, उनमें जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं, तो बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो अचानक से बंद हो जाता है और बेबी की दिल की धड़कनें रुक जाती है। जब माँ को ब्लड प्रेशर रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, जब माँ को प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर रहता है, उसको हम प्री इक्लाम्प्सिया कहते हैं। कभी कभी
इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस रहते हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हम जब बोलते हैं तो उसमें भी बेबी की तरफ जाने वाले जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स रहते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं और बेबी की तरफ जाने वाला न्यूट्रिशन बंद हो जाता है और बेबी की दिल की धड़कनें रुक जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण रहता है आंवल का पेट के अंदर ही गर्भाशय के अंदर ही छूट जाना, इसको हम कहते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटी। एब्रप्शियो प्लेसेंटी में क्या होता है, जो प्लेसेंटा रहता है आवल रहती है ये गर्भाशय से छूट जाती है। जब इसका सेपरेशन ज्यादा रहता है तो बेबी की तरफ जाने वाला खून का प्रवाह बंद हो जाता है और बेबी का पोषण वहीं स्टॉप हो जाता है, बेबी की दिल की धड़कनें रुक जाती है। चौथा महत्वपूर्ण कारण रहता है डायबिटीज। जब प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज रहता है यानी कि ब्लड की शुगर की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तो उन केसेस में बेबी के हार्ट बीट कभी भी बंद होने के चांसेस रहते हैं। जब माँ के ब्लड में शक्कर की मात्रा ज्यादा रहती है तो बेबी के भी ब्लड में शक्कर की मात्रा ज्यादा रहती है, बेबी को हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, बेबी की इंसुलिन लेवल भी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है और उसके साथ ही जब माँ में भी ब्लड शुगर ज्यादा रहती है तो माँ के जो प्लेसेंटा के ब्लड वेसल्स रहते हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसको वैस्कुलोपैथी हम कहते हैं। और ये सारी वजह रहती है कि बेबी की दिल की धड़कनें अचानक से बंद हो जाती है। पांचवा महत्वपूर्ण कारण रहता है जब हमारे दिन पूरे हो जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्रॉस हो जाती है और हमारी प्रेगनेंसी पोस्ट डेटेड यानी कि पोस्ट टर्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया जब बेबी बड़ा होता है, जब पोस्ट मैच्योर पोस्ट टर्म होता है तब बेबी बड़ा होता है, उसकी न्यूट्रिशन, उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए होता है, लेकिन जब हमारे दिन पूरे होते जाते हैं वैसे आवल का कार्य बंद होना शुरू हो जाता है। यहाँ डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो जाता है और ये डिस्प्रोपोर्शन हो जाता है और बेबी की दिल की धड़कनें कभी कभी रुक जाती है। छठा महत्वपूर्ण कारण रहता है माँ का संक्रमण। माँ जब वायरल इन्फेक्शन संक्रमित होती है, पैरासाइट से संक्रमित होती है तो भी बेबी में बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो बंद हो सकता है और बेबी के अंदर ही डेथ हो सकती है। जो इन्फेक्शन देखे जाए इसमें पार्वोवायरस इन्फेक्शन, मलेरियल इन्फेक्शन, हिपेटाइटिस इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लास्मोसिस इन्फेक्शन, हर्पीज इन्फेक्शन, इन सारी इन्फेक्शन की वजह से बेबी की अंदर ही डेथ हो सकती है। सातवां महत्वपूर्ण कारण रहता है जब बेबी में जेनेटिक जनुकीय प्रॉब्लम रहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रहते हैं। जब ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रहते हैं तो यूजुअली बेबी के हार्ट बीट्स बहुत ही पहले बंद होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स रहते हैं, जनुकीय प्रॉब्लम रहते हैं तो बेबी की जो डेथ है वो अर्ली ट्राइमेस्टर में होती है। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है वो थोड़े से माइनर लेवल के रहते हैं तो बेबी की डेथ थोड़ी सी लेट हो जाती है। उसके साथ ही बेबी में जब जेनेटिक प्रॉब्लम रहते हैं, उनके अवयवों में दोष रहते हैं तो भी बेबी की डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। और भी महत्वपूर्ण ऐसी परिस्थिति रहती है जब माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव रहता है और होने वाले की डैडी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहता है और ये इसकी दूसरी प्रेगनेंसी रहती है, तीसरी प्रेगनेंसी रहती है, तो कभी कभी बेबी की डेथ होने के चांसेस होते हैं क्योंकि कभी कभी वो माँ में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार होते हैं और वो एंटीबॉडीज की वजह से अंदर जो बेबी पल रहा है वो जब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का रहेगा उस बेबी के आरबीसीस यानी कि लाल रक्त पेशी खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और बेबी की डेथ हो जाती है और बेबी के शरीर में पूरा पानी फैलता है और बेबी की डेथ हो जाती है, उसको हाइड्रोस्पिटालिस कहते हैं। और भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो रहता है कॉर्ड कॉम्प्लिकेशन। लेकिन कॉर्ड कॉम्प्लिकेशन की वजह से बेबी का अंदर ही स्टॉप हो जाना ये बहुत ही रेयर कंडीशन रहती है क्योंकि हर तीन बेबी में एक बेबी के गले के साइड में
अम्बिलिकल कॉर्ड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जो हमें सोनोग्राफी में दिखाई देते हैं। कभी कभी डिलीवरी के दौरान हम ऐसे भी देखते हैं कि बेबी के गले में एक या दो राउंड कॉर्ड के रहते हैं, फिर भी बेबी एकदम सही रहता है। इसीलिए बेबी के गले में कॉर्ड यानी कि नाल जब रहती है, ये बेबी का डेथ का कारण बहुत ही कम लोगों में होता है। कभी कभी होता है कि ट्रू नॉट हो जाती है, बेबी का पूरा कॉर्ड बेबी के शरीर में फंस जाता है, ऐसे भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन की वजह से बेबी की डेथ हो गई, ये कहने से पहले हमें बाकी दूसरी जांच पहले करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रेयर कंडीशन में बेबी की डेथ इन कारणों से हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि पेट में लेबर पेन से पहले कभी कभी बेबी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए, और हमारे ये गायनिक, प्रेगनेंसी, IVF, इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।